नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये तीन स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ओपन स्काई ट्रीटी है क्या। तो फर्स्ट में एक डेफिनेशन के रूप में एक इंट्रोडक्शन आपको इसके बारे में दिया गया है कि ये एक अकॉर्ड है जो साइन किया गया है मेंबर कंट्री के द्वारा, और वो अलाउ करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए अपने दूसरे मेंबर कंट्री को, अगर कोई कंडीशन क्रिएट ऐसी हो जाती है, वॉर की कंडीशन हो जाती है, तो वहां अपने एरिया में उसे फ्लाई करने का अलाउ या परमिशन दे सकते हैं। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि इस ट्रीटी के अंडर दिस ट्रीटी आप बोल सकते हो कि स्पाई की परमिशन दी जाती है अगर पहले से कंसेंट ले रखा हो, यानी कि कोई मेंबर कंट्री है किसी अपने जो दुश्मन कंट्री है उसके साथ स्पाई कराना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री के थ्रू, तो वो अलाउ कर सकती है इस ट्रीटी के अंदर। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन यानी अमेरिका और रशिया दो जो मेंबर हैं इस ट्रीटी के अंदर। तो तीन स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल इसके अंडर आते हैं यानी करेक्ट है, और सेकंड में आपसे बोला ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नन ऑफ द अबव यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन खत्म कर लीजिए। तो ओपन स्काई ट्रीटी की बात करें, इसके अंदर ये एक ट्रीटी जो है फर्स्ट टाइम 1955 के अंदर यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से ये प्रपोज किया गया था। बाद में इसे 1992 के अंदर इसे साइन किया गया था, और फिर आज के टाइम पे अगर बात करें या लेटेस्ट के लिए तो 2002 के अकॉर्डिंग 35 कंट्री ऐसी हैं जो इस ट्रीटी को साइन कर चुकी है और इसको फॉलो भी करती है। बेसिकली अभी ये जो न्यूज़ में आने की वजह यह है, क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि रशिया और अमेरिका इस ट्रीटी से बाहर हो रहे हैं, तो रशिया जो इस ट्रीटी से बाहर हो गई है जिसकी वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें इस ट्रीटी को जो मेंबर कंट्री साइन करती है वो अलाउ करती है दूसरे मेंबर कंट्री को स्पाई यानी कि जासूसी वगैरह कराने की एक्टिविटी अलाउ करती है। तो आप ये कह सकते हो जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इस क्वेश्चन में आपसे बैड बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट बैड बैंक है क्या, और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो सबसे पहले बैड बैंक के बारे में बोला जा रहा है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये बैड लोन जो होता है उसको रिकवर करने का काम करती है। जैसे कोई बैंक से लोन लेता है और उसे पेमेंट नहीं करता, दोबारा वापस नहीं आता, तो उस अमाउंट को रिकवर करने का काम करने वाली ये कंपनी आप बोल सकते हो। और सेकंड आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट में कि ये बैड बैंक है, ये आल्सो इन्वॉल्व, ये ना इसका एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होती है कि लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट, यानी कि बैंक के द्वारा लोन देना और डिपॉजिट जमा करना, इन दोनों जो एक्टिविटी है इसमें भी इन्वॉल्व होती है एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ये वाला ही करेक्ट है, ऑप्शन बी की बात करें इसमें सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है ओनली, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बैड बैंक के बारे में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर बैड बैंक की बात करें तो बैड बैंक की मतलब ये होता है जब किसी बैंक से कोई लोन ले लेता है और लोन को अगर रीपेमेंट ना करे तो ये एक तरह से बैंक के लिए क्या हो गया बैड डेब्ट्स हो गया, यानी कि बैंक के पास वो मनी वापस नहीं आ रही है, और जो कि आप बोल सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, और इसे रिकवर करने का जो काम होती है वो करती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यानी कि आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन था ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इस तरह की जो कंपनी होती है ये पूरी कोशिश करती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मनी है उसे रिकवर किया जा सके। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो कंपनी है एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें ये डिपॉजिट और लोन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती नहीं, इसका मेन सिर्फ एक ही काम होता है कि जो भी एनपीए हो जाता है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हो जाता है उसको सिर्फ रिकवर करने का ही काम करती है, बाकी दूसरे काम नहीं करती है। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें बोला जा रहा है कि 5G या फिर आप बोल सकते हो 5th जनरेशन इज द लेटेस्ट अपग्रेडेड लॉन्ग टर्म इवोशन
मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, यानी कि मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क की बात करें उसके अंदर ये फिफ्थ जनरेशन का आप नेटवर्क बोल सकते हो। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी है सिर्फ काम करती है हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होता है उसके अंदर ही सिर्फ काम करती है, ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी जो है ये एज कंपेयर टू 4G, अगर बात करें 4G के कंपैरिजन में जो 5G है ये आपसे बोला जा रहा है कि ये 100 टाइम्स ग्रेटर है, यानी कि जिसकी जो स्पीड होगी वो इसके कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज्यादा इसकी स्पीड है। तो ये तीन स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये आपको करेक्ट बताया जा रहे हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी की बात करें तो सी में आपको सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो 5G टेक्नोलॉजी की बात करें ये एक तरह से आप कह सकते हो हाई इंटरनेट की स्पीड बनाने वाला एक टेक्नोलॉजी है। अब मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क की बात करें तो ये फिफ्थ जनरेशन का नेटवर्क अब होने वाला है, तो यानी कि आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो इसकी एक तरह से डेफिनेशन दे रखी है बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है, इसमें आपसे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ ओनली बोला गया कि हाई फ्रीक्वेंसी जो होगी उसमें ही काम करेगा, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होगा सिर्फ उसमें काम करेगा, ये बात गलत है। ये हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के साथ साथ लो और मीडियम में भी काम करने वाला है, तो यानी कि आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं जो स्पीड के बारे में बोला जा रहा था कि 4G के कंपैरिजन में अगर 5G की बात करें ये इसे 100 टाइम्स ज्यादा इसकी स्पीड है। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 100 GB/s आप बोल सकते हो, यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। इस क्वेश्चन में आपसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन साइन हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो रेजोल्यूशन नंबर 2231, और ये न्यूज में अक्सर रहता है, तो न्यूज में रहता है इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये किस कंट्री से रिलेटेड है या किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये इसराइल और फेलिस्तीन के बीच में कंफ्लिक्ट चलता रहता है इन दोनों कंट्री के बीच में, उससे रिलेटेड ये रेजोल्यूशन है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि जो क्रीमिया और रशिया का जो एक आप कह सकते हैं इशू क्रिएट हुआ था और रशिया ने आप क्रीमिया के ऊपर एक तरह से कह सकते हो एक अपना कब्जा कर लिया था आप ये बोल सकते हैं, तो ये वाला जो इशू सामने आया था उससे रिलेटेड ये रेजोल्यूशन आप बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है जिसका नंबर 2231 है। थर्ड ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इस रेजोल्यूशन के अंदर कवर होता है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि यूएसए यानी कि अमेरिका का विड्रॉल है उसके जो सेन यानी कि उसके जो आर्मी वगैरह उसको विड्रॉ करना है अफगानिस्तान से, इस रेजोल्यूशन का नाम है रेजोल्यूशन 2231। तो करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि इन चारों में से कौन सा रेजोल्यूशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन की बात करें यानी कि यूनाइटेड नेशन की बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन आया था जिसे आप बोल सकते हैं 2231 इसका नंबर है, जिसके अंदर यह है कि ईरान को आप कह सकते हो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने का एक प्रोग्राम था, कि बाकी सारी कंट्री इसे ये कह रही थी कि भाई ईरान जो है न्यूक्लियर पावर ना बने उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसके रिलेटेड ये है। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर जो हमारा सी हो जाएगा, ये ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन आप वैसे बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है। इस क्वेश्चन में आपसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो अक्सर न्यूज में रहता है जिस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके न्यूज में रहने की वजह क्या है ये आपको बताना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इससे रिलेटेड आपके पास ये चार ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है ये एक तरफ से कह सकते हो फाइनेंसिंग यानी कि फाइनेंस रिसीव्ड करने का एक तरीका है जो कि हम मसाला बोंड वगैरह इशू करके किया जाता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि ये रिसोर्सेज वगैरह को रेस करने का एक तरीका है जो कि PSU के थ्रू लोन और इक्विटी के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है एक डेफिसिट के अंदर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के अंदर, यानी फॉरेक्स रिजर्व जो हमारी कंट्री में है यानी कि डॉलर वगैरह जो हमारी कंट्री में रिजर्व है उसको एक तरह से आप मोनेटाइज करने का एक तरीका आप कह सकते हो डेफिसिट को रिकवर करने के लिए। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये बेसल थर्ड कैपिटलाइजेशन कमर्शियल बैंक का जो प्रोसेस है इसके बारे में आपसे बताया जा रहा है। तो ये चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है ये चूज करना है।
तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि हमारी कंट्री में जो पीएसयू है, पीएसयू के द्वारा जो भी फंड रेस किया जाता है, चाहे वो लोन के रूप में या फिर इक्विटी के रूप में फंड रेस करने का जो एक प्रोसेस आप कह सकते हो, उसी को इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज आप बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो में पीछे के पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया के अंदर जो कंट्री आते हैं उस कंट्री को आपको कवर करना था, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इजराइल उस एरिया में आता है, सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये कुछ कंट्री हैं जो इस एरिया में, यानी कि आप अगर एशिया वाले मैप में अगर इसे देखें तो इस एरिया में ये कंट्री आती थी, इसे मैंने कवर करने के लिए आपको बोला था। आज जो आपके लिए क्वेश्चन ये होने वाला है कि इस मैप बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हो, एशिया आज हमारा फिनिश होने वाला है। तो अब जो पोर्शन जो आपका रह गया वो सिर्फ इतना वाला पोर्शन रह गया, यानी कि जो एशियन कंट्री इसके अंदर आते हैं, ठीक है, एशियन कंट्री, ये सारी कंट्री आपको कवर करनी है और इसके साथ ही हमारा जो एशिया वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसे कवर करेंगे। तो आपको आज एशियन कंट्री के अंदर जितनी भी कंट्री आती है सारी कंट्री कवर करनी है, और बेसिकली जो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, बॉर्डर जोन सी कंट्री जिसके साथ बॉर्डर शेयर करती है ये आपको पता होना चाहिए, कैपिटल आपको पता होना चाहिए, कैपिटल के अलावा वहां पर करेंसी कौन सी चल रही है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेंसी एंड लैंग्वेज ये जरूर कवर करना है आपको, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके लिए, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी आपको जो रिवीजन करना है इस वीडियो को देखकर एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही है। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा सेकंड चैनल है, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी सारे यूजफुल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है आपको तो इसको लाइक कर लीजिए, अगर पसंद नहीं आ रही आपको इसे डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई इसमें इंप्रूव करने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।